गुरु पूर्णिमा 2024 कब है? गुरु पूर्णिमा 2024 इस दिन इन शुभ योग में होगा भगवान विष्णु शिव और चंद्रमा की पूजा। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल कुंजो ऑफिशियल आवर योर चैनल। कैसे आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। गुरु पूर्णिमा 2024 इस दिन इन शुभ योग में होगा भगवान विष्णु और शिव चंद्रमा की पूजा। गुरु पूर्णिमा 2024 इस साल गुरु पूर्णिमा रविवार 21 जुलाई को मनाई जाएगी। गुरु पूर्णिमा 2024 डेट शुभ योग आषाढ़ पूर्णिमा जिसे गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है इस साल 21 जुलाई 2024 को शुभ संयोग में मनाया जाएगा। ये पर्व आध्यात्मिक ज्ञान और शिक्षा का प्रतीक है। इस दिन भगवान विष्णु शिव और चंद्रमा की पूजा की जाती है, साथ ही गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। पर्व का महत्व आध्यात्मिक उन्नति। गुरु पूर्णिमा का पर्व आध्यात्मिक उन्नति का अवसर प्रदान करता है। इस दिन भगवान विष्णु और शिव की पूजा करके ज्ञान भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति की प्रार्थना की जाती है। गुरुओं का सम्मान। गुरु पूर्णिमा का दिन अपने गुरुओं का सम्मान और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर होता है। गुरु हमारे जीवन में ज्ञान और प्रकाश का मार्गदर्शन करते हैं। चंद्र दोष से मुक्ति। इस दिन चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। चंद्र ग्रह मन और भावनाओं से जुड़ा होता है, इसीलिए इसकी पूजा से मन शांत और एकाग्र होता है। वैवाहिक सुख। गुरु पूर्णिमा का व्रत रखने और भगवान विष्णु और शिव की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि आती है। शिक्षा और ज्ञान। इस दिन विद्या देवी सरस्वती की पूजा करने से शिक्षा और ज्ञान की प्राप्ति में सफलता मिलती है। विशेष योग। इस साल गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई को स्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, प्रीति योग, विश कुंभ योग के शुभ संयोग में मनाया जाएगा। इन योग का प्रभाव इस दिन को और भी अधिक और शुभ फलदायी बनाता है। शुभ मुहूर्त। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 20 जुलाई शाम 6:12 से पूर्णिमा तिथि समाप्त 21 जुलाई शाम 3:46 तक। गुरु पूजा मुहूर्त 21 जुलाई सुबह 6:16 से 8:05 तक। पूजा विधि। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने पूजा स्थल को साफ करें और भगवान विष्णु शिव और चंद्रमा की प्रतिमा का चित्र स्थापित करें। दीप प्रज्वलित करें और धूप बत्ती लगाएं। भगवान विष्णु और शिव और चंद्रमा को फल फूल मिठाई और अन्य भोग अर्पित करें। गुरु मंत्रों का जाप करें और गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त करें। दिन भर व्रत रखें और सात्विक भोजन करें। शाम को आरती करके और व्रत का पारण करें। कैसा लगा आप सभी को हमारा ये गुरु पूर्णिमा व्रत वीडियो, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट।